चमोली आपदा पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ग्लेशियर टूटने की वजह से आपदा नहीं आई है और इसकी जानकारी इसरो ने दी है। ये बड़ी खबर। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, आपदा से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। खालिस्तान से जुड़े दो आतंकी दबोचे गए हैं, खालिस्तान से जुड़े दो आतंकी लखनऊ से दबोचे गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, दो आतंकी जिनका वास्ता खालिस्तान से है उन्हें धर दबोचा गया है। तो ये बड़ी सफलता यहां पर मिलती हुई सुरक्षा बलों को। खालिस्तान से जुड़े दो आतंकी लखनऊ में दबोचे गए हैं, राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है उसमें बार बार जिक्र खालिस्तान का हो रहा है, खालिस्तानियों का हो रहा है, उसको देखते हुए ये बड़ी कामयाबी समझी जा सकती है। और विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, कहां से दो आतंकी दबोचे गए? जी, ये आतंकी विकास नगर इलाके से दबोचे गए हैं और इसके लिए अभी कमिश्नर थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लखनऊ पुलिस कमिश्नर। अभी ये पता चला है कि इन दोनों दूसरा जो पकड़ा गया है वो आतंकी का साथी है और उसका नाम अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। अभी जो सबसे पहली जानकारी ये मिली है कि इनके संबंध इंग्लैंड और जर्मनी में बैठे हुए आतंकवादियों से हैं, खालिस्तान कमांडो फोर्स से जुड़े लोगों से हैं और ये असलहे वगैरह लेकर वहां से आते थे। किस तरह से लाते थे, क्या लाते थे, क्या इनका उद्देश्य था, लखनऊ में कौन सी वारदात करने वाले थे, इनका किसान आंदोलन से क्या जुड़ाव है, ये सब चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी पुलिस कमीशन उनसे पूछताछ कर रहे हैं, गोपनीय स्थान पर दोनों से पूछताछ चल रही है। बहुत सारी जानकारियां अभी हमें अपडेट होनी है, दोबारा उनसे बात करेंगे और क्या उनका उद्देश्य था, कितने असलहे बरामद हुए हैं, ये आतंकी यहां पर कब आए थे, किस जगह पे ठहरे हुए थे, ये सब जानकारियां अभी थोड़ी देर में अपडेट होंगी। अभी मेरी जो कमिश्नर से बात हुई है वो बता रहे हैं कि पंजाब पुलिस से भी संपर्क किया गया है और पंजाब, चूंकि ये दोनों पंजाब के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं, पंजाब से पुलिस की एक टीम लखनऊ के लिए निकल चुकी है, जब पंजाब पुलिस पहुंचेगी। बिल्कुल, फिलहाल विवेक इसे बड़ी सफलता माना जा सकता है और अभी और डिटेल्स आना बाकी है। आप नजर बनाए रखिएगा विवेक, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।